वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, सो इस वीडियो में आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट 10 प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए। ये अमेज़न से सारे लिए हुए प्रोडक्ट्स हैं और मुझे लगा कि ये अमेज़न मस्ट हैव्स हैं। ये मेरे बहुत काम आते हैं ये वाले प्रोडक्ट। कुछ है ऐसे भी हैं जो मैंने रिसेंटली ही डिस्कवर किए हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार ये तो भाई बनता है मेरी लाइफ में होना। ठीक है, तो ऐसे 10 प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नीचे सारे प्रोडक्ट्स के मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। अगर आपको लगता है इसमें से कोई चीज आपकी भी बहुत जरूरत की है तो आप देख लेना, उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हो। और मैंने ना कोई ऐसे लग्जूरियस आइटम नहीं डाली है कि हाँ मैं बोलूँ इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद लो। बहुत ही सस्ती वाली चीजें मैंने इस वीडियो के लिए चूज की है और जो अपने मतलब प्राइस से भी ज्यादा वर्थ की है। ठीक है, बहुत काम आएंगी आप लोगों के। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही पुराने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नए हैं। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट जो मुझे क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप की लड़की हूँ, मुझे DIYs और ये सब करने बहुत पसंद है, तो मैं इस प्रोडक्ट को बहुत यूज करती हूँ। दिस इज अ ग्लू गन जो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बाय गाइज। मैं इतनी वीडियोज देखती थी और उनमें सोचती थी कि यार एक ग्लू गन तो बनती है। मेरे पास ये तकरीबन 2 साल से ये प्रोडक्ट है एंड माई लाइफ हैज बिकम सो इजी। मैंने इसके साथ इतने DIYs किए हैं कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। सो दिस इज अ वेरी वेरी कूल प्रोडक्ट। अगर आप एक क्रिएटिव टाइप के बंदे हो और आपको DIYs करने पसंद है तो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू मस्ट हैव इन योर हाउस। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो इसके साथ का ही प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली आपको अलग से खरीदना पड़ता है। इसके अंदर बेसिकली ग्लू डलती है जो इस फॉर्म में होती है। ये ग्लू स्टिक्स है और इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है और फिर इसको आप जब प्लग लगाते हो, प्लग लगाने के बाद ये गन अंदर से गर्म होती है। तो ये जो अंदर आप देख रहे हो ये इस वक्त ग्लू स्टिक डली हुई है एक ऑलरेडी। सो यहाँ पे गर्म होके मेल्ट होके ये बाहर निकलती रहती है। इस तरीके से आप गन को ऐसे दबाओगे तो बाहर निकलेगी एंड या सो ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, छोटी होती रहेगी एंड देन यू कैन इंसर्ट अनदर ग्लू स्टिक। इस गन को लेने से पहले प्लीज ध्यान से समझ लेना, इसको बहुत ही केयरफुली आपको यूज करना है। यानी कि ये जो आगे से ग्लू निकलती है वो इतनी गर्म होती है और इनफैक्ट इस गन की जो टिप है वो भी बहुत गर्म होती है, तो बच्चों से दूर रखना है, डॉग्स से दूर रखना है और खुद भी बहुत ही सावधानी के साथ इसको यूज करना है। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। सो वंस यू आर बाइंग दिस यू मेक श्योर यू आर बाइंग दीज ऑब्वियसली, बिकॉज इसके बिना इसका कोई काम नहीं है। सो दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट जो आप लोगों ने बहुत देखा होगा मेरे घर में। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी चीज को, किसी एक पुराने फर्नीचर को, चेयर्स को, सोफा या कोई भी चीज ऐसी को इंस्टेंटली रिवैम्प कर सकते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट। मान लो आपकी कोई चेयर, एक बड़ी पुरानी सी चेयर है और आपको लगता है कि यार ये तो चेयर का बड़ा ही सत्यानाश हो गया, अभी न्यू तो लेनी ही पड़ेगी, तो यू डोंट हैव टू बाय अ न्यू चेयर। यू जस्ट हैव टू इंसर्ट अ कवर लाइक दिस ऑन इट। ओ गॉड, दिस इज अ परचेज जो मुझे लगता है कि यार थैंक गॉड मैंने करी। सेम टाइप के कवर सोफा के लिए भी आते हैं, मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगी कि जो सोफे के कवर्स है। तो जैसे अभी मेरा ब्लैक वाला सोफा डाइनिंग टेबल हॉल में जो रखा हुआ है उसके बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, तो आई हैव टू ऑर्डर, बस मैं बिजी हूँ, रहते रहते रहता जा रहा है, बट आई हैव टू ऑर्डर अ सोफा कवर ऑल्सो। उससे मुझे पूरा नया सोफा खरीदना नहीं पड़ेगा जो मेरी जो डॉग है मिस्टू जो है उसने खराब कर दिया है, तो मुझे उसके ऊपर सिर्फ कवर चढ़ाना है एंड दैट्स इट, मेरा सोफा नया हो जाएगा और एक न्यू डिजाइन भी मिल जाएगा मेरे को सोफे का। राइट, सो दिस इज अ मस्ट हैव गाइस। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आई फील एक ये फेशियल किट जो मैंने कुछ टाइम पहले खरीदी थी। दिस इज अ प्रोडक्ट आई फील एवरी गर्ल शुड हैव। योर फेस डेफिनेटली नीड्स क्लीन अप एंड यू नो फेशियल काइंड ऑफ चीज रेगुलर इंटरवल्स में टू रिमूव ऑल द डर्ट एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर फेस। सो अब ऑब्वियसली आप हर बार तो सलोन में जाके इतने महंगे महंगे फेशियल्स नहीं करा सकते हो एंड क्लीन अप भी अगर हम कहें फेशियल्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल क्लीन अप के लिए भी जाते हो तो अगर आप एक छोटे से शहर में रहते हो तो वहां पे 300 से स्टार्ट होके आपको 1000 तक और 1500 तक क्लीन अप्स मिलेंगे। मुंबई में तो क्लीन अप्स भी बहुत महंगे हैं। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ किट कम्स
वेरी हैंडी. ये एक पॉन्ड्स की किट है, इस पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी एंड मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको इस वीडियो में भी इंक्लूड किया. क्योंकि देखो ये 300 से भी कम की किट है और इसमें एक नहीं दो नहीं तीन फेशियल्स आप कर सकते हो. मैं इसमें दो कर चुकी हूँ, एक मैंने वीडियो में किया था वीडियो जब बनाई थी और एक उसके बाद अभी मैं रिसेंटली भी कर चुकी हूँ दो तीन दिन पहले. सो या इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी. इसमें भी एक दो वेरिएंट्स आते हैं, देख लेना आपको कौन सा चाहिए. ब्राइटनिंग आता है और एक और डिटॉक्स D10 टाइप का कुछ आता है, तो वो देख लेना आपको कौन सा चाहिए, आप वो ले सकते. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट वी आर मूविंग ऑन टू इस जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है एंड ये एक्चुअली आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था बहुत लोगों ने कि पीछे ये जो प्लांट दिख रहा है आपको इस पे आप एक फेरी लाइट लगा दो. सो दिस वॉज इन माई माइंड, मुझे लेना ही था. तो अभी फिलहाल इसमें सेल्स नहीं है. ये प्रोडक्ट है, इसमें तीन सेल डलेंगे यहाँ पे और ये फेरी लाइट है और ये बेंडेबल है, मतलब इसको जिस भी शेप में आपको बना के रखना है आप वैसे रख सकते हो. सो अगर मुझे इसकी सीधी लाइन क्रिएट करके रखनी है मैं वो भी रख सकती हूँ. मुझे अगर इस प्लांट के अंदर ऐसा खचुड़ मचुड़ करके रखना है तो मैं वो भी रख सकती हूँ. आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप एक क्रिएटर हो. मान लो अगर आप अभी न्यू आपने स्टार्ट किया है और यू नो यू वांट समथिंग फॉर योर बैकग्राउंड जो बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो, सो आई थिंक दिस कम्स वेरी हैंडी. ये सेल वाला है, लाइक बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसके अंदर तीन सेल डलते हैं. बहुत ही आई थिंक यूजफुल आइटम है. मैंने आज तक नहीं ली थी सोचो, बट अभी रिसेंटली ये मेरे पास आई है, मैंने ली है. सो आई थिंक ये सबके पास होनी चाहिए. सो जो अभी प्लांट के अंदर अगर ये फेरी लाइट लगी होती तो मेरा बैकग्राउंड कितना अच्छा लगता. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको होपफुली ये फेरी लाइट वहां लगी हुई नजर आएगी. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वन सेकेंड, वो है ये. अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो में देखा होगा रीवैम्पिंग माई डाइनिंग टेबल रिसेंटली डाली है, तो मेरा डाइनिंग टेबल इतना बुरा हाल हो रखा था उस पे मैंने ये चढ़ाया. इसकी स्टिकिंग पावर गाइस बहुत अच्छी है. मैंने उस वीडियो में भी मेंशन किया था कि इससे पहले मैंने शीन का एक यूज किया था, वो भी मुझे अच्छा लगा था बहुत, बट अभी ये यूज किया है तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये बेटर है उससे. और ये बहुत थिक भी नहीं है, ये शीन वाला जो पेपर था ना उससे भी ज्यादा पतला है. तो पतला होने से क्या होता है, और ज्यादा नेचुरल और रियल लुक आती है, राइट. सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको अब कुछ दिन डाइनिंग को अपने टेस्ट करने के बाद तभी इस वीडियो में इंक्लूड किया है. इससे पहले मैंने आपको ये पेपर दिखाया भी नहीं था कभी कि मैंने मंगवाया है या कुछ. अब जब मैंने इसको टेस्ट कर लिया और मुझे बहुत ही सुंदर लुक लग रही है तब मैंने इसको डाला है. सो ये ऐसा मार्बल फिनिश वाला पेपर है, देखो कितना ओरिजिनल मार्बल लग रहा है. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड परचेज. मैंने तो बहुत सारे मंगाए थे ये देखो बहुत सारे मंगा लिए थे मैंने एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ज्यादा मंगा लिए. तो अगर आपके पास कोई ऐसा छोटा मोटा टेबल, बड़ा टेबल, कुछ भी, कोई ऐसा कॉर्नर, कोई ड्रेसिंग टेबल, कोई भी चीज ऐसी छोटी मोटी खराब हो रखी है मान लो और आपको लगता है कि नई लेनी है, you can definitely revamp it with this kind of product. Now moving on to again grooming type का product. जैसे मैंने आपको facial kit दिखाई वैसे ही मैं ये दो चीजें भी दिखाना चाहती हूँ. ये इकट्ठी आई थी, pack of two. अगर आप घर में pedicure करते हो मान लो, तो जो मैं करती हूँ और मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, मेरा प्लान है. मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था बहुत महीनों पहले कि मैं पेडिक्योर करूंगी और आपको दिखाऊंगी मैं घर में पेडिक्योर कैसे करती हूँ, बट मैं नहीं कर पाई. उसका कारण ये था, मैंने बहुत ज्यादा उस बारे में बताया नहीं था, चर्चा नहीं की थी अपनी ज्यादा वीडियोज में, लेकिन मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था पैर का और मेरे लिगामेंट को ठीक होने में उस वो जो इंजरी हुई थी उसको ठीक होने में मुझे तकरीबन 8 से 9 महीने लगे गाइस. इतना गंदा मेरा लिगामेंट टेयर हुआ था. तो अभी मैं टोटली फाइन हूँ, तो मैं बनाऊंगी पेडिक्योर की वीडियो. सो ये प्रोडक्ट अगर आप घर में पेडिक्योर करते हो ना, तो इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत काम आते हैं. ये डिफरेंट तरीके के स्क्रब हैं, जैसे कोई डेड स्किन रिमूव करने के लिए है, कोई बफ करने के लिए है, कोई ऐसी क्लीन करने के लिए है, यू नो सोप से. इस तरीके के 4 टूल्स आपको मिलते हैं, देखो डेड स्किन वगैरह निकालने के लिए 2 आगे और 2 पीछे. तो आई थिंक अगेन पेडिक्योर इज ऑल्सो अ थिंग विच शुड बी वेरी रेगुलर. जो लड़कियां थोड़ा यू नो ग्रूमिंग वगैरह में बहुत उनको पसंद है अपने आप को एकदम थोड़ा अच्छा रखना, ग्रूम्ड रखना, उन लोगों को भी अगर पेडिक्योर भी ऐसी चीज है जो बहुत रेगुलर करवानी पड़ती है. तो अगर आप मान लो हर बार ही पेडिक्योर 20 या 30 डेज में एक बार जाओगे, तो अगेन मुंबई में तो यहाँ पे 1500 तक के पेडिक्योर्स होते हैं, बट कम से कम अगर छोटे शहरों की भी बात करूँ तो 600-700 का पेडिक्योर तो होता ही है. सो अगर आप घर में मंगा लोगे तो आप घर में पेडिक्योर आराम से कर सकते हो और ये 2 टूल्स के साथ आप हमेशा अपना पेडिक्योर कर सकते हो एंड इट्स नॉट अ थिंग जो खत्म हो जाएगी, इट्स गोना बी विद यू फॉर इयर्स.
सो एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है. सो दिस ऑल्सो इज अ थिंग जो मुझे बहुत पसंद है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर थिंग. सो जब मैंने जिस रूम में इस वक्त बैठी हूँ, जब इस रूम का मैंने मेकओवर टाइप किया था छोटा सा कमल के लिए, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो ही आपको ये सारी कहानियां पता होंगी, इसमें शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं. तो तब मैंने ना एक टेबल मंगाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, छोटा सा बेड लगा हुआ था, गद्दा उसके आगे रखने के लिए. सो दिस इज द टेबल जो एक्चुअली एक लैपटॉप टेबल टाइप के हिसाब से मैंने इसको खरीदा था. ये है ओके इस तरीके का. तो तब मैंने ये सोचा था कि कमल बैठा करेगा और आगे इस पे लैपटॉप पे अपना कुछ काम करना है या कुछ रीडिंग करनी है तो कर लिया करेगा, मैंने इसको ये सोच के लिया था. बट गाइज मतलब एक काम सोच के लिया था राइट. मैं इस टेबल को इतना उधेड़ रही हूँ मैं और कमल मिलके, मतलब ये टेबल इतने कामों में आ रहा है. इस टेबल को मैं अपने ऐसे थाइस पे रख के लैपटॉप तो यूज कर ही सकती हूँ बेड पे बैठ के राइट, अगर मुझे करना है तो लैपटॉप यूज कर लिया, अदरवाइज मैं बताती हूँ आपको और हम मेन किस काम के लिए इसको यूज कर रहे हैं. सो कि आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में कि हम लोग टीवी देखते हुए ना खाना खाना पसंद करते हैं, तो टीवी हमारा बेडरूम में है तो वहीं बैठ के खाना खाते हैं. तो पहले हम लोग बेड पे रख के खाना खा लेते थे तो मजा तो नहीं आता था, बट ठीक है ऐसे लगता था बेड पे बैठ के खाना है तो ऐसे ही खाएंगे. जब से टेबल आया और एक दिन ऐसे दिमाग में आया कि अरे टेबल ये वाला रखते हैं ना, तो टेबल को मैं अब बेड पे रखती हूँ और उसके ऊपर हम बैठ के अब खाना खाते हैं, मतलब इसके ऊपर प्लेट्स वगैरह रखते हैं. इतना आसान हो जाता है और इतना एवरीडे हम इसको यूज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है भाई पैसे वसूल हो गए. तो अब बेड पे बैठ के खाना खाना है तो वो खा भी पा रहे हैं और इस टेबल को आगे रख रहे हैं तो प्लेट्स वगैरह जो है ना बड़ी स्टेबल रहती है. सो अगर मेरे को कोई ग्लास भी रखना है राइट पानी से भरा हुआ, तो वो भी मैं बेड के ऊपर इस टेबल को रख के उस पर रख सकती हूँ. सो स्टार्टिंग में मैंने इसको इस तरीके से रखा था लाइक खोल के, फिर ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था ऐसे, थोड़ा सा ऐसा था मिष्टी गिराना एकदम भाग गया एंड ऑल दैट. तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरीके से बंद करके ट्रे की तरह बेड पे रखना शुरू कर दिया. अब ये बन गई ट्रे राइट, एंड दिस इज हाउ वी यूज इट ऑन. सो बहुत सारे तरीकों से मैं इस टेबल को यूज करती आ रही हूँ और ये वर्थ द मनी है और ये इसको मतलब बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इज अ प्रोडक्ट यू मस्ट हैव. ये प्रोडक्ट जो है ये अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनको स्टडी करना है तो स्टडी के लिए डेस्क होता है ना लाइक, उनको ऐसा मान लो जमीन पे या बेड पे जहां आप बिठाते हो उनके ऊपर ऐसा खोल के टेबल रख दिया राइट, और उस पर वो बैठ के पढ़ सकते हैं. सो ये बहुत सारे कामों में आ सकता है अगर आप इसको लेते हो. सो या नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ जरा. ये डब्बा है जो मैंने मंगवाया है. नाउ अगेन इफ यू आर अ क्रिएटर, या फिर अगर आप क्रिएटर नहीं हो लेकिन फिर भी आपको अपने घरों में थोड़ा इस तरीके की कैंडल्स और ये सब पसंद है, तो जो ये फ्रेग्रेंट कैंडल है ना, ये देख रहे हो आप जो मुझे कमल ने मिनीसो से दी थी, तो ये तो ठीक है इनमें थोड़ा फ्रेग्रेंस होता है वो आई अंडरस्टैंड, बट ये महंगी होती है राइट. तो मैंने क्या किया है, ये जो मेरी मिनीसो की खत्म हो जाएगी ना, तो मंगवाई महंगी वाली, बट मैंने क्या किया है, ये 300 कैंडल्स का एक डब्बा मंगवा लिया है. सो इस तरीके की इसमें कैंडल्स हैं और इसमें पता नहीं मतलब मैं कितनी ही वीडियोस बना लूंगी. 300 कैंडल्स, एक कैंडल मुझे, मैं जिस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ मैं एक कैंडल से 4 से 5 वीडियोस बना सकती हूँ. तो 300 कैंडल्स में तकरीबन पता है ना कितने हजारों में वीडियोस बना लूंगी मैं. तो ये जो भी पीछे कैंडल जग रही है ना छोटी वाली, देखो ये देखो छोटी दो जग रही है राइट. तो ये दो कैंडल्स जब मैंने पहली वीडियो शूट करी थी सिट डाउन तब से चल रही हैं, और ये टी लाइट कैंडल्स मेरे पास दो पड़ी थी बेसिकली. तो ये अभी मैं तीसरी या चौथी वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी तक खत्म नहीं हुई है. सो ये टी लाइट कैंडल एक या दो या जितनी भी आप बैकग्राउंड में जगाना चाहते हो तो एक कैंडल बहुत बार जग जाएगी. तो सोचो 300 कैंडल्स कितनी बार जग जाएंगी. सो आई थिंक मेरा मतलब कोटा है ये पूरा, पता नहीं साल या 2 साल का, मैं आराम से पीछे जितनी मर्जी कैंडल्स चाहूँ जगा सकती हूँ. तो अगर आप क्रिएटर हो तो भी डेफिनेटली आपके बहुत काम आएंगी. साथ ही साथ अगर आपको, आप वो टाइप के इंसान हो जिसको रात को जब शाम हो जाती है टाइप्स, तो ऐसा थोड़ा घर में ऐसा हल्का सा कैंडल्स जगाना पसंद है ये सब, तो फ्रेग्रेंट कैंडल्स क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है तो आप ये वाली कैंडल्स भी जगा सकते हो. नाउ दिस लास्ट प्रोडक्ट विच आई रियली रियली वॉन्टेड टू इंक्लूड इन द वीडियो, बट यार मुझे ना वो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है. आई थिंक मैंने उधर से इधर जब शिफ्टिंग करी है तो प्रोडक्ट एक ऐसा है जो थोड़ा ना खो गया है, पता नहीं कहाँ है. तो मैंने ऑलरेडी अपनी ये वीडियो शूट करनी एक दिन उसी वजह से लेट करी है, बट आज भी जब वो चीज़ नहीं मिली ना
तो मैंने सोचा यार अब उसकी वजह से मैं अपना एक और दिन वेस्ट नहीं करूंगी, मैं शूट कर लेती हूँ। तो वो प्रोडक्ट है एक, मैं इंसर्ट कर दूंगी एक उसकी पिक्चर यहाँ पे। ये प्रोडक्ट तब बहुत काम आता है जब लड़कियों को पीरियड्स आ रखे होते हैं, लाइक हॉट वाटर बॉटल। अब आप कहोगे इसमें क्या खास है ना, हॉट वाटर बॉटल जिससे हम मोस्टली जिसके बारे में हमें मोस्टली पता होता है वो हॉट वाटर बॉटल, राइट? सो वाटर बॉटल होती है, सो एवरी टाइम यू हैव टू गो एंड पानी गर्म करो और फिर पानी गर्म गर्म उस बॉटल के अंदर डालो, फिर वो पानी ठंडा हो गया थोड़ी देर बाद, फिर वापस से पानी गर्म करो, गैस भी इतनी सारी वेस्ट करो, फिर बार बार उठो दर्द के अंदर। तो मेरे पास ना ये एक पैड है जो जिसके अंदर पानी नहीं डलता है, इसके अंदर ना जेल है, ये जेल वाला पैड है। सो इसमें यू डोंट हैव टू चेंज, इसके साथ ऐसे प्लग आता है अपने बगल में, ऐसे प्लग पे कहीं पे भी लगाया, आप कितनी भी दर्द में ऐसा बगल में प्लग पे लगाया, ये गर्म हो गया। और मेरे वाला जो है, ये जो मैं यूज करती हूँ, वो तो इनफैक्ट ऑटोमेटिक है कि जब वो पूरा गर्म हो जाता है अपने आप टक की आवाज आती है और वो बंद हो जाता है, इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑन फ्रॉम पीछे से इट विल गेट शॉट। तो इसमें मुझे दर्द में, मान लो अब इधर से दर्द हो रही है और मुझे उठ के जाके पानी गर्म करके डालना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कौन कर पाता है यार, और किसी को भी कितना ही बोलोगे आप मेरे लिए पानी गर्म करके इसमें डाल दो, और एंड इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। सो आई थिंक ये जेल वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें आपको कोई पानी चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्विच ऑन करना है, गर्म हो जाएगा यूज कर लो, वापस से अगर आपको लगा भी ठंडा हो गया वापस स्विच ऑन कर लो, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू हैव टू यूज। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास पिछले 3 सालों से है गाइस, नहीं 3 से भी ज्यादा साल है। मुझे याद है मैं जिस घर में ये प्रोडक्ट लिया था उसके बाद मेरा ये 3रा घर है, सो आई थिंक मुझे 4 साल हो गए होंगे कम से कम इस प्रोडक्ट को यूज करते, और अभी तक टस से मस नहीं हुआ, अभी तक मैं सेम वही वाला जो है वही यूज कर रही हूँ, मैंने एक नया भी नहीं मंगवाया है बल्कि। बट अब हो सकता है क्योंकि मेरा खो सा गया है, मुझे लगता है कि मुझे न्यू मंगवाना पड़ेगा। बट एनीवे दिस इज अ प्रोडक्ट जो हर लड़की को चाहिए होता है, एंड नॉट जस्ट पीरियड्स, आई थिंक अगर किसी को थोड़ा बैक एक रहता है या पैरों में थोड़ा दर्द रहता है या कुछ भी है ना, कहीं पे भी थोड़ा दर्द वर्द रहता है, तो आपको अगर कभी कभी थोड़ा सा आराम के लिए कुछ गरम गरम अगर ऐसा लगाने का मन करे, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस जेल वाला हॉट बॉटल। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड प्रोडक्ट दैट एवरीबडी मस्ट हैव। सो या ये 10 प्रोडक्ट्स थे जो मुझे आपको दिखाने थे, 10 ही हुए ना, मैंने गिनती तो करी थी वैसे। तो ये थे प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है आप सबके पास होने चाहिए, सबके नीचे मैंने लिंक दे दिए, और सारे बहुत ही मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं रखे हैं महंगे महंगे, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट वाले रखे हैं। ये टेबल एक जो है वो थोड़ा सा महंगा है, बट इससे आप इतना मल्टी यूज कर सकते हो कि आप खुश हो जाओगे मंगवा के। एनीवे सो दीस वर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू इंक्लूड इन दिस वीडियो। लेट मी नो अगर इस तरीके की और कोई वीडियोस का आइडिया आपके दिमाग में आए तो मुझे प्लीज बताना, एंड या अदरवाइज बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बट देन आई वांटेड टू चूज जस्ट 10 प्रोडक्ट्स, तो मैंने जो मेरी प्रायोरिटी पे मुझे लगे, जो मुझे बहुत ही खुश करते हैं प्रोडक्ट्स, मैंने उनको यूज किया, इंक्लूड किया इस वीडियो में। एनीवे सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर ऐसी कोई और वीडियो आप देखना चाहते हो, लेट मी नो, कोई आइडिया दे देना कॉमेंट्स में, एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप अगर खरीदोगे इसमें से तो कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं था, या फिर आपको लगा रहे हाँ यार ये तो मेरे पास होना चाहिए, बिल्कुल सही सलाह दी है, वो प्लीज इस वीडियो के नीचे आप लोग लिखना। एंड या इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो बंद, और लास्ट टू लास्ट या वट एवर व्लॉग में आप लोगों ने देखा था मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन ने मेरे पेट दर्द को बिल्कुल ठीक कर दिया, आई होप इट डजंट कम बैक। एंड मुझे वो जो टेस्ट वेस्ट कराना था वो मुझे अभी एंटी ग्लाइडन टेस्ट वो कराना है, मुझे पता चलेगा मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है या नहीं है, आई लेट यू नो गाइज। एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड, एंड आई एम गोना सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।